तो दोस्तों याद रखना, मेहनत अभी काफ़ी नहीं ख्वाबों को पाने के लिए, अभी और पसीना बहाना होगा किरदार को महकाने के लिए। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं आप लोगों के लिए द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है December 12, 2019 और डे है थर्सडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा अपडेट कि आज आप लोगों के लिए जो नोट मेकिंग क्लास है वो होगी रात को 10:30 PM। ओके, 10:30 बजे आपके लिए क्लास होगी। क्लास का लिंक ऊपर आप आई वाले बटन में प्रेस करके देख सकते हो। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कल का सवाल था नेत्र से जुड़ा हुआ। व्हाट इज नेत्र? नेत्र इज नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट। बेसिकली जो स्पेस डेब्रिस होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, जिससे हमारी बाकी सारी सैटेलाइट्स को नुकसान ना हो, नेत्र प्रोग्राम को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया इस प्रोग्राम को? इसरो ने इसको यहाँ पर लॉन्च किया था। पहली स्टेटमेंट कहती है कि हर साल बहुत सारे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स स्पेस के अंदर कोलाइड कर जाते हैं। एज अ रिजल्ट स्मॉल पीस ऑफ डेब्रिस रोटेट एट एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड। जो डेड सेटेलाइट होती हैं या बाकी सारे डेब्रिस होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर अर्थ की ऑर्बिट के अंदर, वो डैमेज भी कर सकते हैं हमारी एक्टिव सेटेलाइट्स को। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि जो नेत्र प्रोजेक्ट है, इट वुड प्रोवाइड इंडिया विद द सेम कैपेबिलिटी एज द US एंड रशिया टू असेस थ्रेट्स फ्रॉम स्पेस डेब्रिस एंड अदर हजार्ड्स। यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब है A1 and 2 ओनली। आपके लिए आज का सवाल, व्हाइट आइलैंड वोल्केनो रिसेंटली एरप्ट हुआ था। आपको बताना है कि सदर्न हेमिस्फेयर के किस देश के अंदर व्हाइट आइलैंड वोल्केनो है। ऑप्शन है आपका ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंडोनेशिया, सी न्यूजीलैंड या डी साउथ कोरिया। जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। Page number 1, पहली खबर हम लोगों को मिलती है कि राज्यसभा ने क्लियर कर दिया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019। मैं लगातार आप लोगों के साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में चीज़ें डिस्कशन में ले रहा हूँ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 उन लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात कर रहा है जो कि 3 देशों से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। 6 religious minority community से बिलोंग करते हैं, 2 are Hindus, 6 Parsi, जैन, बुद्धिस्ट और यहाँ पर क्रिश्चियंस। इसके साथ साथ ये लोग हमारे देश में अगर December 31, 2014 से पहले आए और हमारे देश में ये 6 साल रह चुके हैं, क्योंकि पहले जो नेचुरलाइजेशन के जो 12 साल कहीं यहाँ पर रहना ज़रूरी होता है, 11+1 11 साल रेगुलर, ओके, और इन इनरेगुलर मैनर, और 1 साल यहाँ पर बिफोर जब यहाँ पर एप्लीकेशन जाती है उसको यहाँ पर कम करके 5+1 करने की यहाँ पर बात की गई। राज्यसभा ने भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पूरी तरीके से साफ कर दिया है। छोटा सवाल आप लोगों को बताना कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में कौन कौन सी स्टेट को एक्सक्लूड किया गया है कि जब सिटीजनशिप मिलेगी तो उन पर्टिकुलर स्टेट में से कुछ जगहों पर आप ना ही जाकर रह सकते हो, ना रिसाइड कर सकते हो, ना घूम फिर सकते हो, ना ही वहाँ पे वर्क कर सकते हो, तो वो क्या एक्सेप्शन हैं वो आपको जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके बताने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर Page number 1 पे ही मिलती है। 50th PSLV लॉन्च कैरीज रडार सेटेलाइट। सबसे पहले PSLV के बारे में बातें। PSLV इज़ अ 4-stage लॉन्च व्हीकल जिसके अंदर जो पहली स्टेज होती है वो सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन होता है, दूसरी स्टेज में लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन होता है, तीसरी में सॉलिड और चौथी में भी लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन होता है। जो PSLV है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसका इस्तेमाल हम लोग जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर भी करने लगे हैं, पर इसे शुरू में पूरे सेटेलाइट्स के लिए लॉन्च किया गया था। PSLV से अब वर्जन हमारे लिए आया था GSLV और आज के डेट में हम लोग GSLV Mark 3 का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। इंडियन पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने अपनी गोल्डन जुबली मार्क कर ली है, 50th लॉन्च किया है यहाँ पर। इंडिया के जो एडवांस्ड रडार इमेजिंग सेटेलाइट है जिसका नाम है RISAT-2B R1। गाइज एक चीज़ और आप लोगों को पता ही होगी कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने PSLV C-47 की मदद से हम लोगों ने कार्टोसैट 3 को छोड़ा था, जो कि हमारी यहाँ पर एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट थी
ओके, बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट थी जिसके अंदर हम लोग रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करते थे, ओके, रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करते थे। कार्टोसैट सिर्फ दिन के समय पर जब सूर्य होता था उसी समय पर यहाँ पर अर्थ ऑब्जर्वेशन देने की कोशिश करती थी। राइसेट के अंदर क्या अलग है, बेसिकली जो राइसेट होती है वो रात में वर्क करती है, बेटिक बेसिकली इट्स लाइक अ रडार इमेजिंग सेटेलाइट, ओके, रडार इमेजेस करती है जिसका इस्तेमाल यहाँ पर स्पाई के लिए किया जाता है, कुछ जो छुपी हुई चीज़ें उनको देखने के लिए किया जाता है, और बहुत सारे यहाँ पर और चीज़ों में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ये पर्टिकुलर सेटेलाइट्स काम करती हैं। PSLV विच हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ सक्सेसफुल लॉन्चेज ऑफ पेलोड, जो चंद्रयान 1 है उसको भी PSLV की मदद से लॉन्च किया गया था, ऑल दो चंद्रयान 2 को हम लोगों ने GSLV मार्क 3 की मदद से लॉन्च किया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन को भी हम लोगों ने PSLV की मदद से लॉन्च किया था, ओके, जो PSLV है अभी तक सिर्फ दो बार ही फेल हुई है, एक बार जब अपनी मेडन फ्लाइट थी PSLV D1 1993 के अंदर, और दूसरी बार PSLV C39 जो कि अगस्त 2017 के अंदर फेल हो गई थी। राइसेट 2BR1 का काम एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए आता हुआ हम लोगों को नजर आएगा। इसरो विल लॉन्च द नेक्स्ट वर्जन ऑफ राइसेट विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल पेज नंबर 1, खबर मिलती है रजिस्टर न्यू व्हीकल व्हेन ओनर शोज प्रूफ ऑफ डिस्पोजल ऑफ ओल्ड वन। दिल्ली में ट्रैफिक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ओके, ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री पैनल ऑन होम अफेयर्स है जिसको कांग्रेस के लीडर अनंत शर्मा हेड कर रहे थे, उन्होंने एक रिपोर्ट में रिकमेंड किया है, रिपोर्ट का नाम है द मैनेजमेंट ऑफ वर्सनिंग ट्रैफिक सिचुएशन इन दिल्ली। उसके उन्होंने यहाँ पर रिकमेंड की है कि जो नई कार्स अगर कोई व्यक्ति ले रहा है उनका रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब वो इस चीज़ का प्रूफ दे देगा कि जो उसका पुराना व्हीकल है, पुरानी गाड़ी है, उसको उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया, और तभी मिलेगी जब वो यहाँ पर ये बताएगा कि हाँ उनके पास अपनी पर्सनल पार्किंग स्पेस है जहाँ पर उस गाड़ी को रखा जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट सजेशन है जिसको पूरे देश के अंदर ही लागू हो जाना चाहिए, ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है दिल्ली के अंदर ओल्ड और अनफिट व्हीकल जो हमें चलते हुए नजर आ रहे हैं। याद रखना NGT के ऑर्डर के बाद जो डीजल व्हीकल हैं उनकी 10 साल की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी होती है, पेट्रोल व्हीकल्स की 15 साल की रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी होती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, आंध्र प्रदेश कैबिनेट क्लियर्स दिशा बिल टू एंश्योर रेप वर्डिक्ट इन 21 डेज। बेहतरीन आर्टिकल, आंध्र प्रदेश की कैबिनेट ने क्लियर किया आंध्र प्रदेश दिशा बिल 2019। इसको आंध्र प्रदेश क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2019 से भी जाना जाता है। यहाँ पर इसके अंदर IPC की कुछ धाराओं के अंदर भी बड़े बदलाव किए गए, साथ ही बोला गया कि डेथ पेनल्टी दी जाएगी फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप एंड गैंग रेप एंड एक्सपीडिटिंग The verdict in trials of such cases to 21 days। In short, हुआ क्या है यहाँ पर, बोला गया कि डेथ पेनल्टी होगी हीनियस से क्राइम्स के लिए, जो प्रोब के लिए टाइम होता है वो 7 दिन का दिया जाएगा, ट्रायल के लिए टाइम से 14 वर्किंग डेज का दिया जाएगा, जो फाइनल जजमेंट है वो 21 डेज के अंदर हम लोगों के लिए आती हुई नजर आएगी। एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आप कह सकते हो बदलाव आंध्र प्रदेश की कैबिनेट लाने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ साथ कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश स्पेशल कोड फॉर स्पेसिफाइड ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन बिल 2019 को लॉन्च किया था फॉर डीलिंग विद द ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसके अंदर रेप, गैंग रेप, एसिड अटैक, स्टॉकिंग, वयारिज्म, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस भी इन्वॉल्व हैं, और वो सारे केसेस जो कि पॉस्को एक्ट के अंदर आते हैं। तो ये यहाँ पर बड़े बदलाव हैं। यहाँ पर जो प्रपोज्ड लॉ है इट इज़ गिविंग एन अमेंडमेंट टू द रेलिवेंट प्रोविजन्स ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। यहाँ पर वो इंट्रोड्यूस करने की भी कोशिश कर रहे हैं सेक्शन 354E को और सेक्शन 354F को IPC के अंदर, जो कि हरासमेंट ऑफ वुमेन थ्रू सोशल मीडिया एंड सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ चिल्ड्रन को यहाँ पर सामने रखेंगे। अंडर सेक्शन 354E हरासमेंट ऑफ वुमेन थ्रू सोशल मीडिया डिजिटल मोड और एनी अदर फॉर्म, इट हैज़ प्रपोज कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को गिल्टी माना जाएगा तो उसको यहाँ पर 2 साल तक की सजा हो सकती है फॉर द फर्स्ट कन्विक्शन और 4 साल की सजा होगी फॉर द सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस। अंडर सेक्शन 354F मोलेस्टेशन और सेक्सुअल असॉल्ट को इंक्लूड किया गया है। इम्प्रिजनमेंट इज सॉट टू बी इंक्रीज टू अ मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स एंड अ मैक्सिमम ऑफ 7 ईयर्स ऑफ एज। मूविंग ऑन पेज नंबर 8, खबर मिलती है स्टेज सेट फॉर मेडन सर्वे ऑफ बटरफ्लाइज इन आंध्र प्रदेश नेशनल पार्क। यहाँ पर जो आपके लिए एग्जाम एलिमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है पापीकोड़ा नेशनल पार्क किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है, बिल्कुल एकदम रट लेना कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। वहाँ पर क्या हो रहा है, बटरफ्लाइज का सर्वे करने की यहाँ पर बात हो रही है,
ओके एक्सरसाइज यहाँ पर बटरफ्लाइज की बायोडाइवर्सिटी दिखाएगा, उनके इकोसिस्टम को भी ट्रैक करने की कोशिश करेगा, पर एग्जाम एलिमेंट आपके लिए यही वाला स्टफ था। मूविंग ऑन पेज नंबर 8, हम लोग मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा देखते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो एलिफेंट्स थे वो जो हमारे जो पोल्स होते हैं उनके ऊपर जो इलेक्ट्रिफिकेशन वाली फेंसिंग होती है उससे टकराकर बहुत सारे एलिफेंट्स मर रहे थे, तो उसके लिए भी कंसर्न आता हुआ नजर आया था कि हम लोगों को किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सुधार करना है कि जो एनिमल्स हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर जो रह रहे हैं उनको भी हम लोग सिक्योर कर सकें। यहाँ पे खबर आई है कर्नाटका से, कर्नाटका के अंदर जो लेपर्ड्स हैं क्या करते हैं वो वेल्स के अंदर कुएं के अंदर गिर जाते हैं, तो जो कुएं हैं जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एक तरीके का अनकन्वेंशनल थ्रेट है यहाँ पर एनिमल्स के लिए। एक पेपर हमारे सामने आया द बिग कैट्स इन वेल एन अनकन्वेंशनल थ्रेट टू लेपर्ड्स इन सदर्न इंडिया, उसने इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोगों के लिए सामने रखा। पेज नंबर 9 खबर मिलती है हैवी मेटल्स कंटामिनेशन इंडियाज रिवर, तो यहाँ पर हमारी जो रिवर्स हैं वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर पॉल्यूशन होता हुआ नज़र आता है, वो अलग अलग कारणों से होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मैरीन पॉल्यूशन हो, चाहे वो यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो, या यहाँ पर हम लोग इरोजन की वजह से होते हुए देखते हैं। यहाँ पर बात हो रही है जो हैवी मेटल्स हैं वो कंटेमिनेट हो रहे हैं इंडियन रिवर्स के अंदर। कुछ सैंपल्स को यहाँ पर कलेक्ट किया गया था, जो सैंपल्स यहाँ पर लिए गए फ्रॉम 2/3 ऑफ द वाटर क्वालिटी स्टेशंस जो कि हमारी मेजर रिवर्स के अंदर हैं, उन्होंने इस चीज़ को बताया है कि यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ 1/3 ही जो यहाँ पर वाटर क्वालिटी स्टेशंस हैं वो सेफ थे, बाकी सब में हमें किसी ना किसी मेटल का कंटामिनेशन देखने को मिला। ये एक्सरसाइज सेंट्रल वाटर कमीशन ने कंडक्ट करी थी और ये एक्सरसाइज मई 2014 से लेकर अप्रैल 2018 के डेटा को कॉन्स्टिट्यूट करती थी। बाकी जो 287 मतलब 65% जो यहाँ पर सैंपल हैं दे वर पॉल्यूटेड बाय हैवी मेटल्स। गाइज यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो आपकी गंगा नदी यहाँ पर क्रोमियम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आयरन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यमुना नदी के अंदर आयरन एक्सीड कर रहा है, राप्ती के अंदर यहाँ पर क्रोमियम एक्सीड कर रहा है, तो इस मेटल्स की वजह से बहुत सारी डिजीजेज हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा एक डिजीज़ का नाम मीनामाटा डिजीज़, वो होती है मरकरी की वजह से, एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं इटाइटाई, ये किसकी वजह से होती है, होती है कैडमियम की वजह से, तो इस तरीके की डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। आयरन एमोज एज द मोस्ट कॉमन कंटामिनेंट विद 156 आउट ऑफ सैम्पल साइट्स रजिस्टर्ड लेवल एट दी मेटल्स अबव सेफ लिमिट, जो प्रेजेंस है यहाँ पर मेटल का वो ड्रिंकिंग वाटर में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, और जब पेयजल में पीने के पानी में हम लोगों को इस मेटल का कंटामिनेशन देखने को मिलता है तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। हाउएवर अभी भी कुछ चीज़ें कुछ मेटल्स हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, बट अगर वो सेफ लिमिट से ऊपर हैं तो वो बॉडी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अगर बात करें हैवी मेटल्स का, वो आपको फिजिकल मस्कुलर न्यूरोलॉजिकल डिजनरेशन प्रोसेस भी कर सकती है, अल्जीमर डिजीज कॉज कर सकती है, पार्किंसन डिजीज कॉज कर सकती है, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी कॉज कर सकती है, और मल्टीपल स्लेरोसिस कॉज कर सकती है, मतलब पूरी बॉडी का यहाँ पर नुकसान हो सकता है। गैस खासकर लेड कैडमियम निकल क्रोमियम कॉपर कंटामिनेशन वर कॉमन इन नॉन मानसून पीरियड, और आयरन लेड क्रोमियम कॉपर की जो टॉलरेंस लिमिट है वो मानसून पीरियड के अंदर क्रॉस होती हुई हम लोगों को नजर आई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल पेज नंबर 9 खबर मिलती है शो टेम्पल फेसिंग सीवियर सी इरोजन। गाइस सी इरोजन के बारे में बात हुई सबसे पहले, तो सी इरोजन किन किन कारणों की वजह से होता है, देखो तो वेव एनर्जी की वजह से होता है, तो वेव्स आती नजर आती हैं वो सी को इरोड कर देती हैं, साथ ही यहाँ पर जो माइनिंग होती हैं कोस्ट के पास लाइक सैंड माइनिंग होती है उसकी वजह से हो जाती है, यहाँ पर हम लोग हैवी वाटर की वजह से कर देते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस वजह से। एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, क्लाइमेट चेंज की वजह से दो तरीक़ों से वाटर लेवल बढ़ेगा, एक तो जो पोल्स हैं या जो आइस हैं वो मेल्ट होंगी, दूसरी यहाँ पर जो हॉट वाटर होता है वो हमेशा एक्सपैंड करता है, तो इस वजह से भी हो जाएगा, तो इसकी वजह से सी इरोजन होता है। ओके सी इरोजन को हम लोग प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं वॉल्स लगाकर, सिंथेटिक ट्यूब्स लगाकर, तो इस तरीके से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को सी इरोजन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ग्रॉइंस को। ग्रॉइंस क्या है, ग्रॉइंस होती हैं वॉल्स जो कि कोस्ट लाइन के पास हम लोग यहाँ पर बड़ी बड़ी दीवार बनाते हैं कि पानी क्रॉस ना करे। ओके यहाँ पर एक और चीज़ बात हुई आप लोगों के लिए शो टेम्पल के बारे में। गाइस ये शो टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, जो शो टेम्पल है उसको पल्लवा डायनेस्टी के नरसिंहवर्मन टू ने बनाया था। द्रविड़ा स्टाइल का ये पर्टिकुलर टेम्पल है, 3 मूर्ति इस टेम्पल के अंदर है, एक मूर्ति भगवान विष्णु की है,
और दो मूर्ति यहाँ पर भगवान शिव जी की हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग प्रकार के रथ भी देखने को शो टेम्पल के अंदर मिल जाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल एडिटोरियल सेक्शन पेज नंबर 10, बात मिलती है स्ट्रेंथ इन नंबर्स। कल हम लोगों ने यही आर्टिकल डिस्कशन में लिया था, सेम आर्टिकल था, पहला आर्टिकल था, पेज नंबर 1 पे खबर आई थी कि 38% जो सैंक्शन पोस्ट हैं हाई कोर्ट के अंदर जजेस की, वो खाली पड़ी हुई हैं, वो वेकेंट पड़ी हुई हैं। आंध्र प्रदेश का नाम टॉप पे है, जहाँ पे अराउंड 59.46% जो सीट्स हैं वो वेकेंट हैं। उसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यहाँ पर एक टाइम स्लॉट फिक्स कर दिया है। कोर्ट ने बोला है कि 6 महीने के अंदर अंदर अपॉइंट करना ही पड़ेगा उन जजेस को, जिनका नाम कम से कम सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम, हाई कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने यहाँ पर एग्री कर दिया है, उनको 6 महीने के अंदर अंदर आपको अप्रूव करना ही पड़ेगा। तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस को आसान करने के लिए, वैकेंसी को यहाँ पर भरने के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया गया। और इसके लिए क्या आया था, इसके लिए आया था जुडिशियल ऑर्डर। जुडिशियल ऑर्डर वॉज रिलीज्ड फॉर दिस। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर स्टेट करते हैं कि अपॉइंटमेंट शुड बी इनिशिएटेड एटलीस्ट 6 मंथ बिफोर अ वैकेंसी अराइजेस। अगर जब भी कोई वैकेंसी होती है, जब वो हो रही है, उसके 6 महीने पहले से आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट कर देनी, चालू कर देनी चाहिए, चुनाव तो कम से कम चालू करना ही चाहिए। एंड सिक्स वीक्स ऑफ टाइम इज देन स्पेसिफाइड फॉर द स्टेट टू सेंड रिकमेंडेशन टू द यूनियन लॉ मिनिस्टर, आफ्टर विच यहाँ पर ब्रीफ सेंड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को इन 4 वीक्स। एक बार कोलिजियम किसी नाम को क्लियर कर देता है, फिर ये लॉ मिनिस्ट्री के पास जाती है और लॉ मिनिस्ट्री फिर यहाँ पर रिकमेंडेशन देती है प्राइम मिनिस्टर को इन 3 वीक्स, और प्राइम मिनिस्टर फिर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। इसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, इसी वजह से तो हमारे देश में 38% सीट्स वेकेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट का रिकमेंडेशन है, अब यहाँ पर टाइम लिमिट जो लेकर आया वो बहुत ही वेलकम स्टेप है। कहीं ना कहीं हमें जानते हैं कि सरकार के और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बीच में थोड़ी तनातनी चल रही है, खासकर तब से जब से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। इसके लिए सरकार 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आई थी, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल के भी खिलाफ है। ओके, तो वैकेंसीज बढ़ रही हैं, डिलीवरी सिस्टम के ऊपर बहुत सारा डाउट आ रहा है, ट्रस्ट की कमी हो रही है, इसके लिए यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है बहुत ही वेलकम स्टेप है। मूविंग ऑन पेज नंबर 10, खबर मिलती है मिजल्स के बारे में। मिजल्स इज अ कॉन्टिगुअस वायरल डिजीज जो कि यंग एडल्ट बच्चों को हो जाती है। रिसेंटली जिस देश को अभी 2019 में मिजल्स फ्री घोषित किया गया था, दैट वॉज श्रीलंका। याद रखना इस चीज़ को, श्रीलंका को घोषित कर दिया गया था। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो मिजल्स के जो रिपोर्टेड केसेस हैं ग्लोबली 2000 से लेकर 2018 के बीच में, वो 59% डिक्रीज होते हुए नजर आए, पर एक स्पाइक हमें 2016 में देखने को मिला था। 2018 में भी जो नंबर थे वो शॉट अप होते हुए हम लोगों को नजर आए। देखो, मीजल्स का जो सर्विलेंस है वो बहुत ज़्यादा वीक है। WHO और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने यहाँ पर जो एस्टिमेटेड नंबर हैं, ओके, दे हैव रिजॉर्टेड टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ मिजल्ट केसेज एंड डेथ्स। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं जो रिपोर्टेड केसेज हैं, 45% रिपोर्टेड केसेज हैं, वो हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्गो, लाइबेरिया, मडागास्कर, सोमालिया और यूक्रेन के अंदर ही देखने को मिलते थे। यहाँ पर एक बड़ा इशू है, दैट इज वैक्सीन हेजिटेंसी। वैक्सीन हेजिटेंसी का क्या मतलब है कि लोगों के मन में कुछ इस तरीके के डाउट होते हैं कि वो यहाँ पर वैक्सीन लेना अवॉइड करते हैं या अपने बच्चों को वैक्सीन लेने ही नहीं देते। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ रिलीजियस कारण हो सकते हैं, ठीक है, कुछ के यहाँ पर पर्सनल कारण हो सकते हैं, कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड भी कारण हो सकते हैं, बोल देते हैं सोशल मीडिया पर कि ये दवाई खाएं खराब है मत खाओ, कुछ गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट कम हो सकता है तो लोगों को दवाइयाँ यहाँ पर लोग लेते ही नहीं हैं। मैं आपको इसी से रिलेटेड एक और आपको एक इम्पॉर्टेंट स्टफ बता देता हूँ। आपको याद होगा 2019 में अभिजीत बैनर्जी एस्थर डब्ल्यू और मार्कर क्रेमर को इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। उन्होंने वैक्सीन हेजिटेंसी के ऊपर ही एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके अंदर जब यहाँ पर ट्राइबल वुमेन अपने बच्चों को मेडिकेशन नहीं करा रही थी, वैक्सीन नहीं दे रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अगर आप लोग वैक्सीन लोगे तो आपको पल्सेस की एक पोटली दी जाएगी, मतलब आपको 1 kg आपको यहाँ पर पल्सेस दी जाएंगी, दालें दी जाएंगी। तो वो आई महिलाएं और बच्चों को यहाँ पर वैक्सीनेशन भी करा गई। इसीलिए देखो, जब ट्राइबल वुमेन आयोडीन की वैक्सीनेशन नहीं ले रही थी तो हम लोगों ने आयोडीन बिंदी को भी लॉन्च किया था। तो ये इंपॉर्टेंट स्टफ है आप लोगों के लिए। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट कम है, मिस इन्फॉर्मेशन है, वैक्सीन की स्टोरेज कम है, हेल्थ केयर सेंटर सही तरीके से बताते नहीं हैं। मास इम्यूनाइजेशन, यहाँ पर जो न्यूली अप्रूव्ड ड्रग हैं खासकर डेंगू वैक्सीन के,
फिलीपींस के अंदर लॉन्च किए गए बिफोर रिस्क एसोसिएट विद द वैक्सीन व रिपोर्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। उसके बाद थोड़ा सा ट्रस्ट यहाँ पर कम हो गया। वैक्सीन हेजिटेंसी हैज़ बीन ऑन द रिलीजियस ग्राउंड एंड प्राइमरीली ड्यू टू एंटी वैक्सीनेशन कैंपेन्स, जो कि कुछ फेक न्यूज़ की वजह से सामने होती हुई नजर आई। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है, लोगों को एजुकेट करना है और वैक्सीन सही समय पर पहुँचानी है। चलिए पेज नंबर 10, खबर मिलती है द डेली डोगमा फॉलेसी ऑफ द राइट। ये वाला आर्टिकल इन शॉर्ट बता रहा है कि न्यू इंडिया किस तरफ आगे जा रहा है। इस आर्टिकल में यहाँ पर कंपेयर किया प्रीवियस इंडिया को और न्यू इंडिया को। बोला गया कि आज की डेट में जो इंडिया है वो नई फॉरेन पॉलिसी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बात बोली गई कि वन डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ प्रेजेंटिज्म इज द टेंडेंसी टू जज द मेरिट ऑफ वंस पास्ट पॉलिसीज बेस्ड ऑन द करंट कैपेबिलिटी, कि जो आज की कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से हम लोग अपनी पिछली पॉलिसीज को बार बार कंपेयर करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कश्मीर इशू का एग्जाम्पल लें तो यूएन के पास हम जो पहुंच गए थे उसको एक बड़ी मिस्टेक माना जाता है। इंडिया फोर्सेबली भी लिबरेट करा सकता था जम्मू कश्मीर को फ्रॉम पाकिस्तान, तो इंडिया ये सब काम भी कर सकता था और शायद इंडिया उस समय अगर ये काम करता तो आज इतनी बड़ी तकलीफ हमारे सामने नहीं होती। बट उस समय जो हम लोगों ने किया शायद वो बेस्ट ऑप्शन था, और जो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन था वो यूनाइटेड नेशंस के पास जाना था। इन अर्ली डिकेड एक चीज़ आप मत भूलना कि इंडिया वॉज मिलिट्रिकली वीक, रिसेंटली डिकोलोनाइज स्टेट था जिसके पास खुद अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, डोमेस्टिकल पॉलिटिक्स से हम लोग घिरे हुए थे, सोसाइटिकल चैलेंज थे, सिक्योरिटिकल चैलेंज थे, देश के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज थे, मिलिट्री कैंपेन हम लोग बहुत सारी जगह पर कर चुके थे, चाहे वो हैदराबाद हो, जूनागढ़ हो, उन सब जगह भी हम लोगों ने किया था, और कोल्ड वॉर के समय पर हम लोगों को एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन देखने को मिली थी। यहाँ पर इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट को ज्वाइन कर लिया था। अब एक बड़ा सवाल आता है कि इंडिया ने जब नॉन अलाइनमेंट को ज्वाइन किया, इन्होंने ये सोच के किया कि हम किसी भी देश के साथ नहीं जाएंगे, और कहीं ना कहीं इंडिया ने दोनों कैंप से यहाँ पर फ़ायदा उठाया। एक सवाल आता है कि क्या इंडिया चाइना से जीत जाता अगर 1962 में जो चाइना के साथ वॉर हुई थी उस समय इंडिया या US के साथ होता या USSR के साथ होता? इस आंसर का जवाब भी इसी आर्टिकल ने दिया है। देखो, पाकिस्तान तो कहीं ना कहीं US का पार्टनर था, 1965 हो या 1971 हो, पाकिस्तान तो हमेशा हारा, सपोर्ट नहीं मिला उसे US की। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया ये एक अच्छी बात थी, अगर ज्वाइन कर भी लेती तो भी कोई गारंटी नहीं थी कि ये दोनों पोल्स हम लोगों को सपोर्ट करते। तो यहाँ पर उन्हीं चीज़ के बारे में बात की कि अब जो न्यू इंडिया है, नाउ गाइस दिस लाइन इज रियली इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना, कि जो न्यू इंडिया है वो दो चीज़ों पर वर्क करता है, रिस्क टेकिंग और ग्लोबल पोजिशनिंग। इन दो पोजीशन पे हम लोग बात करते हैं, हम लोग रिस्क लेंगे, अपनी ग्लोबल पोजीशन को बढ़ाने की बात करेंगे, वी विल हैव टू इंक्रीज आवर ग्लोबल पोजीशन, और आज की डेट में जो बड़े बड़े स्टेप लिए गए उससे अपनी ग्लोबल पोजीशन बड़ी है। आजकल हम लोग चाइना से डील कर रहे हैं, इंडिया बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक चैलेंज को ईजी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ऑल दो जवाहरलाल नेहरू जी के स्ट्रॉन्ग क्रिटिक के बारे में बात की गई, बट मैं आपको बता दूं, अगर पंचशील स्ट्रेटेजी ना होती तो शायद इतना आसान नहीं होता चाइना से डील करना। तो यहाँ पर स्पीच ने RCEP के बारे में भी ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं करी, बट डायरेक्टली इंडिया ने RCEP को क्यों ज्वाइन नहीं किया, बिकॉज ऑफ आर डोमेस्टिक इंटरेस्ट। हम लोग चाहते नहीं थे कि हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी का यहाँ पर बड़ा नुकसान हो। यहाँ पर बैलेंस शीट के बारे में बात की गई कि इंडिया बैलेंस शीट करने की कोशिश कर रहा है फॉरेन पॉलिसी को, इंडिया एक मिक्स पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, हम लोग अलग अलग चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हाउडी मोदी इवेंट हो, चेन्नई कनेक्ट हो, JAI हो या मामल्लापुरम के अंदर समिट हो। तो इंडिया एक अलग तरीके से यहाँ पर जाता हुआ नज़र आ रहा है, एक न्यू इंडिया, यहाँ पर स्ट्रेंथफुल इंडिया की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन अपना रहा है जो इंडिया ने आज तक नहीं अपनाए, चाहे वो मिलिट्रिकली जो भी हम लोग यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हों, आर्टिकल 370 को हटाना हो, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने हो, या इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना हो कि इंडिया इज़ अ सोवेरियन नेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पेज नंबर 12, लोकसभा ने पास किया यहाँ पर एक बिल टू सेटअप अ यूनिफाइड अथॉरिटी फॉर द फिनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पर पास हुआ है इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी बिल। ओके, इसने क्या किया है, देखो, इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर प्रोवाइड करेगा वो जुरिडिक्शन कि कोई भी अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज को कोई भी पेमेंट हो या कोई भी चीज़ हो वो डोमेस्टिकली रिजॉल्व हो सकती है। इसके लिए हम लोगों ने गिफ्ट सिटी खोली गई है गांधीनगर गुजरात के अंदर, हमारे देश का पहला IFSC है। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि देर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ IFSCs दैट कैन बी सेटअप इन आर नेशन।
यहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम होगा, यूनिफाइड अथॉरिटी यहाँ पर उसी के लिए एक्ट करेगी। ओके, सारे के सारे लॉज ऑफ द लैंड, चाहे वो मनी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो या वो भी अप्लाई होंगे इस अथॉरिटी के ऊपर। और इस अथॉरिटी को सीबीसी और सीएजी यहाँ पर ऑडिट भी करेंगी। ओके, टैक्स हॉलीडे करेंटली आईएफएससी के अंदर 10 साल की दी जा रही है, 10 ईयर्स की दी जा रही है। गाइज, एक बहुत ही बेहतरीन बिल आता हुआ नज़र आया है, बट मेरी पर्सनल व्यूज़ हैं कि इस बिल के अंदर जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम है। बिल बात करता है कि यहाँ पर 6 महीने की इम्प्रीजनमेंट हो सकती है या 10,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है, या दोनों चीज़ लग सकती हैं अगर कोई भी व्यक्ति अपने पेरेंट्स को अब्यूज़ करेगा या अपने इन लॉज को अब्यूज़ करेगा या किसी भी सीनियर सिटीजन को अब्यूज़ करेगा। तो यहाँ पर सामने आया मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019, जिससे एल्डरली लोगों को मेंटेनेंस और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अपने आप को कराना पड़ेगा एज अ सीनियर सिटीजन केयर होम्स। और बिल डिफाइन करता है अब्यूज एज फिजिकल, वर्बल, इमोशनल एंड इकोनॉमिक अब्यूज टू नेगलेक्ट, अबेंडनमेंट, कॉजिंग असॉल्ट, इंजरी, फिजिकल और मेंटल सफरिंग। एक इम्पॉर्टेंट बिल है, सबसे पहले इस तरीके का बिल असम ने इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद यहाँ पर यह बिल आया है। मूविंग ऑन पेज नंबर 12, चाइना टाइट लिप्ड ऑन नेवल एक्सरसाइज इन इंडियन ओशन। तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने डिक्लाइन किया है इस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए कि चाइना पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ईरान और रशिया के बीच में हो रही है। इसके लिए मिक्स सिग्नल दिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी कोशिश हो रही है कि एक मिलिट्री कोलैबोरेशन क्रिएट कर सकें ईरान, रशिया और चाइना। तो बेसिकली यूएस के 3 दुश्मन यहाँ पर एक बड़ा मिलिट्री पार्टिसिपेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्रेटा थनबर्ग इस साल की टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर हैं। ओके, कभी कभार तो देखो इस चीज़ से याद रखना, हम लोग कहते हैं कि वन मैन आर्मी कोई कुछ नहीं कर सकता, और ग्रेटा थनबर्ग ने क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी मुहिम पूरे दुनिया में छेड़ दी है। पेज नंबर 12, खबर मिलती है नॉट टू रिंग फेंस सक्सेसफुल आईबीसी सूटर। यहाँ पर क्या बात हुई, बेसिकली जो हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 है उसके अंदर अमेंडमेंट लेकर आने की बात हो रही है। देयर इज अ सेकेंड अमेंडमेंट गोइंग ऑन। इस बिल के अंदर यहाँ पर बात है रिंग फेंस की, जो यहाँ पर प्रोविजन है उसको सक्सेसफुल बताया गया है कि यहाँ पर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो नहीं होगी उस पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ जो कि पहले जो पुराने वाले प्रमोटर ने अगर कोई क्राइम किया है, तो नए वाले प्रमोटर ने तो वो नहीं किया है ना, नए वाले प्रमोटर के ऊपर उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। तो अमेंडमेंट है उसका मेन मकसद यही है, सारे के सारे बॉटलनेक्स को हटाना, स्ट्रीम लाइन्स को हटाना, द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, प्रोटेक्ट करना लास्ट माइल फंडिंग को इस पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर। ओके, अमेंडमेंट का एम है इन सब चीज़ों को रिमूव करना। इट एक्ट टू इंश्योर दैट द सबस्ट्रेटम ऑफ द बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेट डेप्टर इज नॉट लॉस्ट, लाइसेंस, परमिट, कंसेशन, क्लियरेंस कैन नॉट बी टर्मिनेटेड, सस्पेंडेड, नॉट टू बी रिन्यूड ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड। मूविंग ऑन पेज नंबर 12, खबर मिलती है दास फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग बैंक टू रिजॉल्व स्ट्रेस्ड असेट्स। तो शक्तिकांत दास जी ने यहाँ पर बोला है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बैंक्स के बीच में अगर उनको अपने स्ट्रेस्ड असेट्स को रिजॉल्व करना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आगे बढ़ रहा है, डिजिटल पेमेंट को डीपन किया जा सके, हम लोग प्लानिंग की तरफ आगे बढ़े। ओके, अभी तो हम लोग रेपो रेट को अभी स्टेबल किया, ओके कब किया गया, डिकम करने की और भी बात हो रही है। ओके, बहुत सारे बैंक्स ने अब MCLR को लो भी किया है इसी हफ्ते, मैंने आपको कल भी बताया था, और कुछ ने एक्सटर्नल बेंचमार्क रेटिंग को भी इंक्लूड करना चालू कर दिया। पेज नंबर 16 पे की पिक्चर आई है, यहाँ पर बात हुई है रोज रिंग्ड पराकीट के बारे में। गाइस, जो रोज रिंग्ड पराकीट है वो आंध्र प्रदेश का यहाँ पर स्टेट बर्ड है। ओके, आंध्र प्रदेश की स्टेट बर्ड है, इसीलिए मैंने ये आर्टिकल आप लोगों के लिए पिक्चर के साथ इंक्लूड किया। आज के लेक्चर में इतनी खबरें थीं, कैसा लगा आप लोगों को लाइक का बटन दबाकर मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइस, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।